हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ अरबी के पत्ते से बनने वाले पकौड़ी की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और इसे बनाने का मैं बहुत ही सिंपल तरीका आपके साथ शेयर करूंगी। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, तो आइए फिर इसे बनाना शुरू करते हैं। अरबी के पत्ते की पकौड़ियाँ बनाने के लिए हमने यहाँ पर 5-7 अरबी के पत्ते ले लिए हैं, जिसे अच्छी तरह से धोने के बाद इसको सुखा लिया है। अब एक एक करके इस तरह से पत्तियों को लेते जाएंगे और इसके मोटे वाले डंठल जो हैं उनको काट कर अलग कर लेंगे, जिससे क्या होता है ना कि ये मोटे वाले डंठल जो होता है जिसके कारण पत्तों में खराश होती है और ये खाने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं, तो आप इसको ज़रूर से हटा लीजिएगा। एक एक करके इस तरह से पत्तियों को लेते जाएंगे और इसकी मोटे नसों को काट कर हटाते जाएंगे, और काटते समय पत्ते फट भी जाते हैं तो इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब पीछे से मोटे डंठल को काट लेने के बाद एक साथ हम 2-3 पत्ते को इस तरह से लेते जाएंगे और इस तरह से इनको फोल्ड करेंगे। अब फोल्ड करने के बाद पहले इन्हें 2 भागों में कट करेंगे, फिर इस तरह से एक साथ करके इनको बारीक बारीक काट लेंगे। अब इस तरह से काट लेने के बाद इसे घुमाएंगे और फिर से इसको हम रफली काट लेंगे। इन्हें अलग रखते हैं और बचे हुए पत्तों को भी हम इसी तरह से कट कर लेंगे। पत्तों को आप हमेशा धोने के बाद उनको हल्का सा सुखा लीजिएगा, तभी उन्हें कट कीजिएगा, नहीं तो पत्ते में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है और इनसे जो भी हम रेसिपी बनाएंगे वो अच्छी नहीं बन पाएगी। तो देखिए, हमने सारे अरबी के पत्तों को काट लिया है। अब इसे एक बाउल में ले लेते हैं। अरबी के पत्तों को बाउल में लेने के बाद इसे हम साइड रखते हैं और इधर हमने एक कटोरी में आधी कटोरी मसूर दाल को लगभग 1 घंटे पहले फूलने के लिए रख दिया था। ये अच्छी तरह से फूल चुकी है। अगर आप मसूर दाल को पहले फूलने के लिए नहीं डाला हो तो आप इसे 15 मिनट के लिए गर्म पानी में भी फूलने के लिए डाल सकते हैं, ये बहुत ही अच्छी तरह से फूल जाएगी। अब मसूर दाल में से सारा पानी निकाल लेने के बाद एक मिक्सी का छोटा वाला जार लेंगे और सारे दाल को इस मिक्सी के जार में डाल लेंगे और दाल में ही 4-5 कलियाँ लहसुन की डाल लेंगे, साथ में थोड़ा सा पानी डाल लेंगे और इसे बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने मसूर के दाल को पीस लिया है, इसको साइड रखते हैं और अरबी के पत्ते को काट कर जो हमने रखा था वो बाउल ले लेते हैं। इसमें हम एक मीडियम साइज के प्याज को इस तरह से लंबाई में कट करके डालेंगे। अगर आप प्याज लहसुन नहीं खाते हैं तो प्याज लहसुन को आप स्किप भी कर सकते हैं। इसमें हम 2 हरी मिर्च को काट कर डालेंगे, 1/2 चम्मच अजवाइन, जिससे इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर, कलर के लिए हल्दी पाउडर डालेंगे, स्वाद के अनुसार नमक ऐड करेंगे। अब इसमें थोड़ा सा क्रिस्पीनेस आ जाए इसके लिए 2 चम्मच चावल का आटा ऐड करेंगे। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और अब हमने जो मसूर के दाल को पीस कर रखा है उसे डाल लेते हैं। पकौड़ी को बनाने के लिए हमने यहाँ पर मसूर दाल को ऐड किया है। आप चाहें तो इसमें बेसन भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मसूर दाल डाल लेने से ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और एकदम टेस्टी बनकर तैयार होता है। यकीन ना हो तो आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। अब मसूर दाल डाल लेने के बाद 1/2 नींबू लेंगे और उसे निचोड़ लेंगे। इससे क्या होगा कि इसमें अगर थोड़ी बहुत खराश भी होगी तो वो दूर हो जाएगी, इसमें बिल्कुल भी खराश नहीं रहेगी और गले में बिल्कुल भी नहीं लगेगी। मैंने इसमें क्रिस्पीनेस के लिए 2 चम्मच चावल का आटा भी डाला है। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं हो तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। सिर्फ बेसन या फिर सिर्फ मसूर दाल को ही पीस कर आप इसमें इस पकौड़ी को बना सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि मैंने मसूर दाल को पीसते समय इसमें थोड़ा सा पानी डाल लिया था। बहुत ज़्यादा पानी मत ऐड कीजिएगा मसूर दाल में, नहीं तो ये मिश्रण जो है वो गीला हो जाएगा और हमारी पकौड़ी अच्छी नहीं बन पाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इनको अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये हमारा पकौड़ियों के लिए मिश्रण तैयार हो चुका है। और इधर हमने एक पैन में ऑयल को गर्म होने के लिए रख लिया था। ऑयल गर्म हो चुका है, गैस को मीडियम कर लेते हैं और थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से मिश्रण लेते जाएंगे और पैन में रखते जाएंगे। एक बार में जितनी भी पकौड़ियाँ आ पाएगी उतना हम पैन में डाल लेंगे। जब पकौड़ियाँ एक साइड से सिक जाए तो इसे दूसरी ओर पलट लेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम टू लो ही रखेंगे और पकौड़ियों का साइज अपनी पसंद के अनुसार छोटे या बड़े आप रख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी सारी पकौड़ियाँ गोल्डन और क्रिस्पी होने तक सीख चुकी हैं। इसे एक एक करके हम प्लेट में निकाल लेते हैं।
तो ये लीजिए फ्रेंड्स, ये हमारी बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी अरबी के पत्ते की पकौड़ियाँ सीख कर तैयार हो चुकी है, जिसे आप दोपहर में चावल दाल के साथ या फिर शाम को सॉस के साथ स्नैक्स के तौर पर भी खा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और एकदम कुरकुरी बनकर तैयार होती है। तो फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी कैसी लगी हमें कॉमेंट सेक्शन में लिख कर ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं इसी तरह की नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।